अटपटा शरीर और उस पर बड़े से सींग वाले इस जानवर की गिनती दुनिया के दूसरे सबसे बड़े लैंड एनिमल्स के रूप में होती है। बेशक इनका शरीर काफी भारी भरकम होता है, लेकिन इसके बावजूद दौड़ने के मामले में इनका कोई जवाब नहीं है। आमतौर पर ये किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर एक बार इनका दिमाग सटक जाए तब दुश्मन की बैंड बजाने में इन्हें ज्यादा देर नहीं लगती। शेर और टाइगर जैसे खतरनाक जानवर भी इसके सामने पानी भरते नजर आते हैं। आज हम आपको गैंडे यानी राइनोस की कुछ ऐसी खतरनाक और दिल दहला देने वाली फाइट्स दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी गैंडे की ताकत की तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। राइनो वर्सेस हिप्पो। लुक्स और पावर के मामले में हिप्पो और राइनो लगभग एक जैसे ही नजर आते हैं, मगर इनके फीचर्स में काफी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जहां एक हिप्पो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है, वहीं राइनो 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ लगा सकता है। इसके अलावा राइनो का अधिकतम वजन 2300 किलो तक हो सकता है, जबकि एक हिप्पो का वजन 3200 किलो तक होता है। अगर ये दोनों दानव आपस में भिड़ जाएं तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। यहां रात में गैंडे को अकेला पाकर यह हिप्पो उस पर अपनी दादागिरी जमाने की कोशिश करता है। हिप्पो गैंडे के सामने बड़ा सा मुंह फाड़कर उसे लड़ने के लिए उकसा रहा है, वहीं गैंडा समझदारी दिखाते हुए उसे कुछ नहीं कहता है और आराम से वहां से चला जाता है। लेकिन हिप्पो तो ठहरा हिप्पो, ये कहां बाज आने वाले जानवरों में से है। वो भी गैंडे के पीछे चल देता है और बार बार उसके सामने आकर गुस्सा दिलाने की उसे खूब कोशिश कर रहा है। तभी उसके बाद राइनो की पूरी पलटन वहां पहुंच जाती है और उसके बाद हिप्पो का जो हाल होता है वो काफी मजेदार था। राइनो की फैमिली को देख हिप्पो की इतनी हालत खराब हो जाती है कि वो दुम दबा कर भागता नजर आता है और फिर एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। आपको बता दें कि हिप्पो के पास राइनो को डराने के लिए केवल बड़ा सा शरीर और लंबा चौड़ा मुंह होता है, जबकि राइनोस के पास मजबूत पैर और दमदार हॉर्न्स होते हैं। एक बार राइनो ने अटैक कर दिया तो हिप्पो घायल हो सकता है। राइनो वर्सेस एलिफेंट। धरती पर रहने वाले सबसे बड़े जानवरों की लिस्ट में जहां हाथी सबसे टॉप पर आता है, वहीं गैंडा दूसरे नंबर पर आता है। सोचिए अगर इन दोनों विशालकाय जानवरों का आमना सामना हो जाए तो नजारा कैसा होगा, सोचना कैसा, चलिए देख ही लेते हैं। यहां जंगल में एक हाथी घूमता हुआ आता है और फीमेल राइनो से उलझने लगता है। हाथी अपनी सूंड से गैंडे पर काफी जोर से हिट करता है, तब फीमेल राइनो को भी गुस्सा आता है और वो हथियार के रूप में अपने सींग का इस्तेमाल करते हुए हाथी पर अटैक करती है। गैंडे के सींग की लंबाई करीब 5 फीट तक होती है। वो हाथी के सूंड के नीचे इतनी जोर से पंच मारती है कि हाथी की हालत खराब हो जाती है। मगर हाथी राजा भी कुछ कम नहीं है, वो मादा गैंडे को अपने शरीर से धकेलने लगता है। दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती है और दोनों ही अपनी ताकत का जोर आजमाते हैं। हाथी फीमेल राइनो पर काबू पाने के लिए काफी हाथ पैर मारता है, मगर फीमेल राइनो उसे अपने इरादे में सफल नहीं होने देती और मौके से भाग जाती है। बेशक मादा राइनो मौके से चली जाती है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि वो हाथी को बराबर मात दे सकती है और उसे अपने इरादों में सफल नहीं होने देती। राइनो वर्सेस लायन। लगता है आज इस राइनो का मूड बेहद खराब है, इसलिए उसने जंगल के राजा से भिड़ने का पूरा मन बना लिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है और किसकी होती है टाई टाई फिस। क्या शेर हमेशा की तरह विजेता घोषित होता है या फिर राइनो उसके सींग वाले अटैक पर सवाल खड़े करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि राइनो शेर खान से फाइट करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो शेर लड़ने की बजाय दुम दबाकर भागने लगता है। रास्ते में एक दूसरा शेर भी मिलता है और राइनो को देखकर उसकी भी हालत खराब हो जाती है और वो भी पतली गली से खिसकने की कोशिश करता है। आगे जाकर दोनों शेर जैसे ही चैन की सांस लेने के लिए बैठते हैं, तभी फिर से राइनो आ जाता है और शेरों को दौड़ा दौड़ा कर थका देता है। शायद अब कोई राइनो की ताकत पर शक नहीं करेगा। राइनो वर्सेस राइनो। राइनो का गुस्सा इतना खतरनाक होता है कि कई बार तो ये अपनी ही साथी से भिड़ जाते हैं। लगता है यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है। आपस में लड़ते लड़ते ये दोनों भारी भरकम गैंडे इतनी बिजी हो जाते हैं कि कीचड़ में पूरी तरह से सन जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। दोनों ही एक दूसरे को बराबर मात दे रहे हैं।
कभी कोई अपने सींग से दूसरे पर अटैक करता है तो कभी दूसरा गिराने की कोशिश करता है। आप देख सकते हैं कि देखते ही देखते ये फाइट इतने खतरनाक मोड़ पर आ जाती है कि एक गैंडा बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को राजी नहीं है। आपको बता दें कि ये शानदार जानवर अपने भयानक और विशालकाय सींगों के लिए जाने जाते हैं जो उसके थूथन से उगते हैं, और इसीलिए इनका नाम राइनोसोरस पड़ा। इसका अर्थ होता है नोज हॉर्न यानी नाक का सींग। जावन और इंडियन राइनोस के पास एक सींग होता है, जबकि सफेद, काले और सुमात्रा के गैंडों के दो सींग होते हैं। राइनो वर्सेस टाइगर। जंगल में टाइगर का एक अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। ये इतना पावरफुल होता है कि इसके सामने बड़े बड़े जानवर पानी भरते नजर आते हैं। टाइगर के सामने आने का एक ही मतलब है कि जान गंवाना। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद टाइगर के रेपो में कमी आ सकती है, क्योंकि जैसे ही राइनो टाइगर से मिलने के लिए पानी में कदम बढ़ाता है, वैसे ही टाइगर उठ खड़ा होता है और वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। लगता है कि राइनो की भारी भरकम शरीर को देखकर टाइगर की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर अटैक करे। चलिए, कोई तो मिला इस टाइगर की अकड़ दूर करने वाला। राइनो वर्सेस बफेलो। अब जरा राइनो और बफेलो की फाइट भी देख लेते हैं, क्योंकि जंगल में जंगली बफेलो का आतंक भी कुछ कम नहीं होता है। इन्हें अपनी ताकत पर काफी घमंड है और इसे आजमाने के लिए आज इसने राइनो को चुना है। लेकिन शायद वो भूल गई है कि जब राइनो अपनी पर आता है तो किसी की भी नहीं सुनता और दौड़ा दौड़ा कर मारता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। दरअसल ये जंगली भैंस राइनो को अकेला देखकर उससे लड़ने के लिए पहुंच जाती है, मगर उसके बाद जो होता है वो काफी चौंकाने वाला है। आप देख सकते हैं कि ये भैंस गई तो थी राइनो को मारने के लिए, पर वो खुद ही उसका शिकार हो गई। राइनो उस पर अपने मजबूत सींग से बार बार अटैक करता है और उसे धकेल धकेल कर हालत खराब कर देता है। तभी कुछ देर बाद भैंस के साथ ही बीच बचाव करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो राइनो सभी को बुरी तरह खदेड़ देता है। इसलिए कहते हैं कि बेवजह किसी से भिड़ना मौत को दावत देने से कम नहीं है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वीडियो और भी ज्यादा मजेदार और एक्साइटेड होने वाला है। मेल राइनो वर्सेस फीमेल राइनो। नर के मुकाबले मादा राइनो अपने बच्चों को लेकर ज्यादा सेंसिटिव और केयरिंग होती है, और भाई हो भी क्यों ना, आखिर वो एक माँ जो है। यहाँ किसी बात को लेकर नर और मादा राइनो में आपस में कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि वो एक भीषण लड़ाई का रूप ले लेती है। पहले ही बार में मेल राइनो मादा पर अटैक कर देता है, तब मादा भी अपनी और अपने बच्चों की रक्षा करते हुए करारा जवाब देती है। वो गैंडे पर पूरी ताकत से हमला करती है। देखते ही देखते लड़ाई इतनी खतरनाक हो जाती है कि उनके चारों ओर धूल का एक बादल सा बन जाता है, और जैसा कि राइनो की देखने की क्षमता पहले से ही काफी कमजोर होती है, ऐसे में ये फाइट कहां टिकती है ये देखना काफी रोमांचक होगा। इतनी धूल होने के बावजूद गैंडा मादा के शरीर के पिछले हिस्से में अपना सींग घुसा देता है। जैसे ही कुछ देर बाद धूल का बवंडर शांत होता है, तब मादा अपने बच्चे के साथ सुरक्षित खड़ी नजर आती है। माँ के आगे नर राइनो की भी बोलती बंद हो जाती है और वो केवल दूर खड़ा हाथ मलता रह जाता है। राइनो वर्सेस हाइना। हाइना काफी चालाक, निडर और निर्दयी किस्म के जानवर होते हैं। ये इतने बड़े दरिंदे होते हैं कि कई बार तो जिंदा जानवर को नोच नोच कर खा जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा जब हाइना का सामना राइनो से होता है। यहाँ जंगल में कुछ राइनो घास खाने में बिजी थे, तभी वहाँ कुछ समय बाद हाइना का एक सिरफिरा झुंड जा पहुँचता है और राइनो को परेशान करने लगता है। एक हाइना तो राइनो की पूंछ को नोच कर उसे जख्मी कर देता है। हालांकि राइनो इधर उधर घूम कर उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन हाइना को तो जैसे पंगा लेने की आदत है। हाइना की पूरी पलटन जख्मी गैंडे के पीछे बुरी तरह पड़ जाती है, तब राइनो को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना ही पड़ता है। राइनो बिना किसी बात के किसी से भी नहीं उलझते हैं और ना ही आक्रामक होते हैं। वास्तव में गैंडे बेहद शर्मीले होते हैं और वो केवल अकेले रहना पसंद करते हैं। इन्हें शांति से भटकना काफी पसंद है। इनके सूंघने और सुनने की क्षमता कमाल की होती है, लेकिन इनकी आईसाइट काफी कमजोर होती है। तो दोस्तों, आपकी नज़र में राइनो से ज़्यादा ताकतवर इनमें से कौन सा जानवर है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।